डार्क एवेंजर्स के एक साथ किए हमले की वजह से थॉर अभी भी जख्मी था, लेकिन अब उसे उठना होगा क्योंकि सेंट्री उसकी तरफ आ रहा है। क्या थॉर उसे रोक पाएगा या फिर एरिस की तरह वो भी मारा जाएगा? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। पर गाइस, अगर आपने द सीज का पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसे यहाँ से देख लेना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलिए बिना किसी देर के द सीज के थर्ड एपिसोड को शुरू करते हैं। आज कहानी की शुरुआत होती है वॉशिंगटन डीसी से। यूएस प्रेसिडेंट एस्गार्ड पर हुए हमले की सिचुएशन को देख रहे थे। एक ऑफिसर कहता है, सर हमारे पास एक अपडेट है, ऑसबोर्न ने इनिशिएटिव के सारे मेंबर्स को एस्गार्ड पर हमला करने के लिए भेज दिया। प्रेसिडेंट ने कहा, सारे के सारे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने उसे ये करने से मना किया था। तो एक और ऑफिसर कहता है, लगता है उसने अपना माइंड बना लिया है सर। तो प्रेसिडेंट ने कहा, तो फिर इस पर हमारा क्या मूव है? ऑफिसर कहता है, सर इस तरह के टाइम में हम एवेंजर्स को बुलाते हैं, लेकिन आपको पता है हम उन्हें बैन कर चुके हैं। तो प्रेसिडेंट ने कहा, एवेंजर्स नहीं है, इसलिए सिचुएशन को हमें खुद ही हैंडल करना होगा। मिस्टर सेक्रेटरी, हमारी सारी के सारी अवेलेबल मिलिट्री फोर्सेस को ओक्लाहोमा भेजिए। मैं नॉर्मन ऑसबोर्न और उसकी टीम को अरेस्ट करने का ऑर्डर पास कर रहा हूँ। पर अगर मिलिट्री भी उसे नहीं रोक पाई तो फिर हमें किसी मिरेकल की ही उम्मीद करनी होगी। अगर प्रेसिडेंट ने कहा ही था कि तभी एवेंजर्स एस्गार्ड में पहुंच जाते हैं। ऑसबोर्न कैप्टन की शील्ड के एक ही अटैक से दूर जा गिरता है। कई हीरोज की अभी भी ट्रेनिंग चली हुई थी, इसलिए फ्यूरी ने कहा, जैसे हमने प्रैक्टिस की थी पंक्स, सब के सब ग्राउंड पर जाओ और एस्गार्डियंस को बैकअप दो। वर्ल्ड एवेंजर्स को देखकर खुश था, मेरे भाई थॉर के दोस्तों, तुम सबका हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। तो कैप्टन कहते हैं, कोई बात नहीं, थॉर यहाँ होता तो वो यही करता। एवेंजर्स दुश्मन को छोड़ना मत। और गाइस, इसके साथ ही एस्गार्ड में असली बैटल शुरू हो गई। उधर ब्रॉक्सन में थॉर और मारी हेल एक डिस्ट्रॉयड साइट पर खड़े थे। उन्हें एस्गार्ड पर चल रहा सब कुछ दिख रहा था। थॉर ने कहा, देखा मिस हिल, यही बात स्टीव रोजर्स को मिडगार्ड का सबसे ग्रेटेस्ट मॉडल बनाती है। वो एक इंसान होते हुए गॉड्स की मदद करने आया है। मारी कहती है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये हमारी तरफ क्या आ रहा है थॉर? गाइस, मारी हिल ने ये कहा ही था कि तभी उन पर किसी ने हमला कर दिया। ये सेंट्री था, वो थॉर को खत्म करने आया। उसने कहा, आज कितने गॉड्स को मुझे मारना होगा। ये सुनते थॉर आया और उस पर हमला। एक लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ सेंट्री ग्राउंड को तोड़ता हुआ दूर जा गया। लेकिन गाइस, फिर थॉर को देखकर सीरियस हो जाता है। सेंट्री पर उसकी लाइटनिंग का असर नहीं हुआ था। उधर एस्गार्ड पर हीरोज डार्क एवेंजर्स से लड़ रहे थे। नॉर्मन ऑसबोर्न ग्राउंड पर गिरा था। वो कहता है, लोकी क्या वो रेडी हैं? मुझे अभी यहाँ चाहिए। नॉर्मन ने पता नहीं ये किस लिए कहा, लेकिन तभी एवेंजर्स कुछ देखकर टेंशन में आ गए। रोनिन कहता है, ओ कम ऑन, अब और नहीं। गाइस, दरअसल पार्कर रॉबिन्स यानी हुड भी ऑसबोर्न की मदद करने आ पहुंचे। एक तरह के गैंगस्टर्स हैं जिनके पास सुपर पावर्स थी। वहीं एस्गार्ड के बाहर यूएस मिलिट्री फोर्स भी पहुंच चुके थे, लेकिन वो इस सब का सामना मुश्किल ही कर पाएंगे। उधर ब्रॉक्सन ओक्लाहोमा में स्पीड यानी टॉमी शेफर्ड कुछ लेकर बहुत तेजी से भागा हुआ था, इतनी तेजी से कि वो थॉर से टकरा गया। मारी हिल अलर्ट हो जाती है, उसे लगा कि ये कोई विलन है जो टोनी स्टार्क को मारने आया है। उसे अब टोनी को जगाना ही पड़ेगा, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो कहती है, टोनी, टोनी स्टार्क, तुम्हें जल्दी ही उठना होगा। गैस, ब्लेक टोनी का इलाज कर चुका है, मतलब वो कोमा से बाहर है, बस होश में नहीं है। हिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि टोनी उठ जाए। कि गैस, तभी मारी हिल किसी पर गोलियां चला रही थी। ये स्पीड था। वो कहता है, अरे गोलियां चलाना बंद करो। मारे ने कहा, केस नीचे रखो और अपने हाथ ऊपर, वरना भी कि अभी मारे जाओगे। स्पीड कहता है, हे रुको, मेरा नाम टोमी शेफर्ड है, मैं स्पीड हूँ, यंग एवेंजर्स का मेंबर। तो मारी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, पर अपने हाथ ऊपर करो। गाइस, मारिया एक शील्ड कमांडर थी। उसने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ अपने ही साथी आपको धोखा दे जाते हैं, इसलिए वो टोनी की जान को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तभी स्पीड कहता है, देखो मेरी बात सुन, मुझे कैप्टन अमेरिका ने यहाँ भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए, ताकि मैं ये टोनी स्टार्क को दे सकूं। मारी ने फिर कहा, अपने हाथ ऊपर करो वरना तुम गए समझो। लेकिन गाइस, फिर तभी किसी ने कहा, मारिया इट्स ओके, इसे आने, ये टोनी स्टार्क था, वो उठ चुका है। उधर बैटलफील्ड में यूएस मिलिट्री एस्गार्ड पर बॉम्बिंग करने वाली थी। इससे सिर्फ विलन्स ही नहीं बल्कि एवेंजर्स भी मारे जाएंगे। गाइस, मिलिट्री के कमांडर ने तो सबको मारने के लिए कह दिया था, लेकिन अभी प्रेसिडेंट उसे रोक देते। इनफ, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे एवेंजर्स की जान खतरे में पड़ जाए। कैप्टन अमेरिका को अकेला छोड़ दो, हमें सिर्फ ऑसबोर्न और हैमर को पकड़ना है। गाइस, फिर ऑसबोर्न की आर्मी पर यूएस मिलिट्री हमला कर देती है। एवेंजर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन विलन्स को वो पूरी तरह टक्कर देंगे। उधर थॉर और सेंट्रिक के बीच बैटल बहुत भयानक हो चुकी थी। थॉर कहता है,
तुमने रॉन्ग मास्टर को चूज किया है, तुमने गलत बैटलफील्ड चूज की है सेंट्री, जिसके लिए आज मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर के साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। और फिर थॉर की एक थंडर स्ट्राइक सेंट्री पर, इससे वो नहीं बच पाए। लेकिन गाइस फिर तभी थॉर को देखकर शॉक्ड रह गया। दरअसल सेंट्री अपनी डैमेज सहने की कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका था, जिसकी वजह से वॉइड उससे बाहर निकलने लगा। यूनिवर्स की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक, यानी एंजल ऑफ डेथ। गाइस अगर ऐसा हुआ तो सेंट्री को थॉर भी नहीं रोक पाएगा। उधर एस्गार्ड में कैप्टन और नॉर्मन एक दूसरे से लड़ रहे थे। नॉर्मन कहता है, कैप्टन तुम अरेस्ट किए जाते हो, अब हार मान लो। तो कैप्टन ने कहा, काफ़ी मजाक करते हो ऑसबॉर्न, क्योंकि मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। ये सुनते नॉर्मन ने अपनी पूरी पावर रिपल्सर्स में डाल दी और बूम, एक एनर्जी बीम मिस मार्वल को जा लगी। वो घायल हो जाती है। कैप्टन ये नहीं देख पाए, वो आए और नॉर्मन पर अपनी शील्ड से वार कर दिया। नॉर्मन ऑसबॉर्न उन पर वापस हमला करने लगा, लेकिन तभी उसका आर्मर काम करना बंद कर देता है। Shields down. Interface corruption detected. Data vision power shell corruption detected. Osborn हैरान था, ये अचानक हुआ क्या? उसका आर्मर उसकी कमांड्स क्यों नहीं मान रहा? तो तभी कोई पीछे से कहता है, ये मैं हूँ Osborn। और गैस फिर हम क्या देखते हैं? आयरन मैन वहाँ पहुँच चुका है। टोनी ने कहा, बेशक तुमने इसे मुझसे चुरा लिया Osborn, पर ये आर्मर फिर भी मेरा है। अब इससे पहले कि कैप्टन तुम्हारा सर न उखाड़ दें, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? गैस नॉर्मन Osborn के आर्मर का सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका था, वो टोनी के कंट्रोल में। नॉर्मन नीचे गिर गया, वो समझ जाता है कि वो हारने वाला है, इसलिए वो सेंट्री को कहने लगा, बॉब किसी को भी यहाँ से भागने मत देना, सबको खत्म कर दो, सबको मार डालो रॉबर्ट, इन्हें जीतने मत देना। गैस सेंट्री पागल हो चुका था, किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई सुपर हीरो भी हो सकता है। इवन कि अब तो ये मानना भी मुश्किल था कि सेंट्री कोई इंसान भी है। और फिर बूम, सेंट्री का एक एनर्जी अटैक और एस्गार्ड थॉर की आंखों के सामने ही तबाह। थंडर गॉड कुछ नहीं कर पाया, वो तो उल्टा कुछ समझ भी नहीं पाया कि अचानक एकदम से ये हुआ क्या। वो कहता है, फादर मैं घर को नहीं बचा पाया, मैं एस्गार्ड को नहीं बचा पाया। उधर नॉर्मन Osborn अब हार चुका था। कैप्टन ने कहा, अब तुम गिरफ्तार किए जाते हो Osborn। टोनी नॉर्मन Osborn को आर्मर से बाहर निकालने लगा, पर फिर सभी कुछ देख कर हैरान रह गए। ओ मैन, ये क्या है? गज दरअसल नॉर्मन Osborn म्यूटेट होकर असली गॉबलिन में बदल चुका था। इस वक्त वो पूरी तरह पागल है। न्यूज़ के थ्रू सब ये देख रहे थे, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और इवन की डार्क अवेंजर्स भी, जहाँ उन्हें भी Osborn के बारे में ये पता नहीं था। नॉर्मन पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है तुमने क्या कर दिया अवेंजर्स, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? गॉब्लिन यानी नॉर्मन ये सब बस रिपीट किए जा रहा था। स्पाइडी आया और उसका एक जोर का पंच नॉर्मन पर, इससे ये चुप हो जाएगा। नॉर्मन नीचे गिर जाता है। थॉर उसके पास आया, लोके कहाँ है Osborn, मेरा भाई इस वक्त कहाँ है? नॉर्मन ने कहा, मर चुका है वो। थॉर कहता है, ये क्या पागलपन है, तुम क्या कह रहे हो Osborn? Osborn ने कहा, वो मर चुका है और तुम भी मरने वाले हो, तुम सब मरने वाले हो, वो तुम्हें मार देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ही उसे कंट्रोल कर सकता था, मैं ही जानता था कि वो असल में है कौन और कितना शक्तिशाली है। मैं तुम सबको उससे बचा रहा था, मैं तुम सबको इससे बचा रहा था। और गैस फिर हम क्या देखते हैं, वॉइड अपनी फुल फॉर्म ले चुका है। ये अब सेंट्री नहीं है बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, जो सब कुछ अपने अंदर निगल जाएगा। अब गैस आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आज का लाइक है मैं सिर्फ 10,000 लाइक्स के लिए। और द सीरीज के पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो उन्हें यहाँ से देख लेना। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।